दोस्तों कहते हैं कि किसी खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, किसी खूबसूरत से पल का एक किस्सा बन जाता है, न जाने कब कौन कहां जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ लोग मिलते हैं जिंदगी में इस तरह, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देवेंद्र मंडल, मोटिवेशनल स्पीकर, थिंकर, फिलोसोफर एंड नेटवर्क मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस पुल पर क्या कर रहा हूँ। आज मौसम बड़ा सुहाना था और जैसा कि शुरू में आपने देखा कि मैं गुनगुना रहा था एक गाना कि फूलों सा तारों सा सबका कहना है। तो आप सब लोग जान रहे हैं कि अभी भाई बहन का पवित्र रिश्ता के ऊपर जो एक पर्व है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारा भारत देश संस्कृति और सभ्यता वाली देश है और इस देश में अनेकों पर्व है, अनेकों त्यौहार हैं जिसको हम सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक उसी तरह हम भाई बहनों का एक पवित्र रिश्ता का एक पर्व है जिसको हम लोग रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं। रक्षाबंधन, जैसा कि आप जान रहे हैं, दो शब्दों से मिलकर के बना है, रक्षा बंधन। रक्षा यानी कि हम भाई लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि उन बहनों के प्रति हम उनके लिए उनको रक्षा प्रदान करें। और जो बंधन शब्द है, ये बंधन शब्द का मतलब ये होता है कि हम भाई बहन का जो ये पवित्र रिश्ता है, जो एक बंधन है, ये हमारा इन दोनों के बीच में बना रहे। और ये पर्व खास तौर पर हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं, जैन धर्म के भी लोग मनाते हैं, लेकिन आजकल का ट्रेंड में ये है कि हर धर्म का लोग जिनको इस पे श्रद्धा है वो मनाते हैं। और ये रक्षाबंधन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि जिनका खून का रिश्ता है, अगर आप किसी लड़की को अगर आप दिल से बहन के रूप में स्वीकार करते हैं और कोई लड़की अगर हमको दिल से भाई के रूप में स्वीकार करती है, तो वो बहन हम मेरे हाथ पर राखी बांध सकती है और हमको भाई के रूप में एक्सेप्ट कर सकती है। ये सब चीज़ तो है ही। रक्षाबंधन के बारे में आप सब लोग बहुत कुछ सुने होंगे, पढ़े होंगे, जाने होंगे, बचपन से लेकर अभी तक आपका जो उम्र हो रहा है उतना बार कम से कम आपका जीवन में रक्षाबंधन आया और गया। लेकिन मैं जो आपसे बात करता हूँ, हमेशा इस टॉपिक पे बात करता हूँ कि रक्षाबंधन वगैरह सब चीज़ ठीक है, राखी बांधना भी ठीक है, लेकिन इस रक्षाबंधन हम लोग, जैसा कि एक ट्रेडिशन है, हमारा परंपरा रहा है कि बहनें जब हमें रक्षाबंधन बांधती है तो हम उन्हें प्यार के सौगात के रूप में कुछ उपहार देते हैं, कोई पैसा देते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं। हालांकि इसका कोई मोल नहीं है, मतलब प्यार का कोई ये नहीं है, इजहार करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, वो ये कि इस रक्षाबंधन 2020 में हम सब लोग एक अलग तरह का गिफ्ट अपनी बहन को दें, वो पैसे के रूप में नहीं, वो किसी खास तरह का गिफ्ट के रूप में नहीं, इस साल हम लोग अपनी बहनों को एक वादा देंगे, एक कमिटमेंट देंगे अपनी बहनों को, हर भाइयों की तरफ से। और ये वीडियो मेरा जो है हर बहनों के लिए समर्पित है। जो आगे मैं बात करने वाला हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगे, दिल में हिट कर जाए, तो जरूर आप एक बार इस वीडियो को अपने फेसबुक अकाउंट पे या सोशल साइट पे शेयर करने का प्रयास करिएगा। तो वो बात ये है कि हम अपनी बहनों को रुपया पैसा नहीं दे करके, कुछ गिफ्ट नहीं दे करके, हम अपनी बहन को एक कमिटमेंट दें कि आने वाले जो बचे हुए जीवन है, उस जीवन में हम कभी भी ऐसा कोई कदम, कोई ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे जिससे कि और भी किसी बहनों को उन व्यवहार से दुख हो, किन्हीं के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। क्योंकि आए दिन हमारी बहनों के ऊपर तरह तरह की अत्याचार, तरह तरह का जो प्रताड़ना, जो आरोप उनके ऊपर लगता आ रहा है, जो उनके ऊपर प्रताड़नाएं दी जाती है, जो अलग अलग तरह से उनको थ्रेटनिंग दी जाती है, वो हम लोग नहीं करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लड़कियों के साथ में, जैसे किसी की पत्नी है, दहेज के लिए ऐसा देखा जाता है कि लड़कियों को जला दिया जाता है, दहेज के लिए उनके पूरे परिवार को प्रताड़ित की जाती है, कुछ चंद पैसों के लिए लड़कियों को छोड़ दिया जाता है। तो इस बार हर रक्षाबंधन के इस मौके पर हर भाई जो अपनी बहनों से राखी बंधवाने के लिए जाते हैं,
आप कितना खुश होकर के अपनी बहन के लिए उपहार खरीदते हैं, गिफ्ट खरीदते हैं और अपनी बहनों को देने के लिए जाते हैं। एक बार जरा आप सोच के देखिए, हर भाई से मेरा ये विनती है, मेरा निवेदन है कि आप एक बार ये जरा सोच के देखिए, जैसे आपकी बहन जितना आपके लिए जरूरी है उतना ही जरूरी किसी और के लिए उसकी बहन होगी। इसलिए दहेज के लिए किसी लड़की को प्रताड़ित करना, उनके साथ मारपीट करना, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करना, उनको घर में अपमानित करना, ऐसा बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए हर भाई से रिक्वेस्ट है, खास करके हर उन पति जो कहीं न कहीं दहेज के लिए अपनी वाइफ के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, तो आप प्लीज़ जैसे अपनी बहनों को आप देखते हैं उसी तरह और के भी वो बहन है, और की भी वो लाडली है, और की भी वो गुड़िया है, इसलिए उनके साथ में गलत व्यवहार नहीं करें। ऐसा नहीं कि मैं कोई बाबा हूँ, ज्ञान बांट रहा हूँ, मेरे दिल की ये इमोशन है। कभी कभी समाज की ऐसी कोई घटनाएं होती है जिसको पेपर में पढ़ के, समाज में देख करके अंदर से ना वो उमड़ने लगता है, वो फूटने लगता है। तो मुझे लगता है कि जो वो अंदर का एक इमोशन है वो इस सोशल साइट के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा पाऊँ, यही एक जरिया है कि हम लोग अपने विचारों को आप तक पहुँचा सकते हैं। मेरा अगर विचार अगर आपको गलत लगेगा तो गाली आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, लेकिन अगर मेरा ये विचार आपको अच्छा लगेगा, एक छोटा भाई समझ करके इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको ये मेरा विचार अच्छा लगे, प्लीज़ इस विचार को अपनाइए और हर बहनों को सेफ्टी सिक्योरिटी दीजिए, अपमानित नहीं करिए लड़कियों को दहेज के लिए। यही इस वीडियो के साथ मेरा, इस वीडियो में यही मेरा मैसेज था, यही मेरा उद्देश्य था, इसी उद्देश्य के साथ मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। बाकी मिलते रहेंगे, मेरा अपना YouTube चैनल है, इस YouTube चैनल पर मोटिवेशनल वीडियो, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अलग अलग इंस्पायरिंग वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो मैं लाता हूँ। और मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से हूँ, इसलिए रिलेटेड टू नेटवर्क मार्केटिंग भी बहुत सारा वीडियोज़ मैं शूट करता हूँ, अपने सोशल साइट पर डालता हूँ, जो बहुत सारे लोगों का मुझे भरपूर प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो मैं बनाता रहूँगा। और आप इसी के साथ आप सबसे मैं विदा लेना चाहता हूँ, दिल की गहराई से पूरा वीडियो देखने के लिए कोटि कोटि आप सबको नमन, धन्यवाद।